नमस्कार साथियों, शिव की दासी चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और रीडिंग। आज की रीडिंग में हम जानेंगे कि आपका जीवन, आपका भाग्य, आगे क्या कुछ बदलाव आ रहा है, क्या कुछ गाइडेंस आ रही है ईश्वर की तरफ से, आपके उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ईश्वर आपको क्या संकेत देना चाहते हैं। यदि आप इस वीडियो पर आए हो तो 100% यहाँ पर आपके लिए ईश्वर की तरफ से कोई ना कोई संकेत, कोई ना कोई आशीर्वाद ज़रूर होगा। यहाँ पर ईश्वर आपसे कुछ ना कुछ अवश्य कहना चाहते हैं, इसलिए आप इस वीडियो पर आए हो। कृपया इस वीडियो को स्किप ना करें, इस वीडियो को पूरा देखें और मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में कि आपका भाग्य आपको आगे चलकर क्या कुछ गाइडेंस, क्या कुछ आशीर्वाद ईश्वर की तरफ से देने वाला है। तो यहाँ पर मैंने रखा है, यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स ऑप्शन 1 में एंड ऑप्शन 2 में मैंने रखा है द मून। तो आप अपने विवेक के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर, अपनी पसंद के आधार पर इन दोनों कार्ड में से एक कार्ड चुने, कार्ड नंबर 1 नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड कार्ड नंबर 2 द मून। तो इस वंडरफुल सी मैं यहाँ पर रीडिंग को यहाँ पर स्टार्ट करती हूँ और कार्ड नंबर 1 के साथ, और मैं यहाँ पर इस कार्ड को रख देती हूँ। मैं चाहूँगी कि महादेव, देवों के देव महादेव से आप यहाँ पर अपने अच्छे भविष्य की कामना करें और आने वाली समस्याओं से कैसे निपटना है इसका आप ईश्वर से मार्गदर्शन के लिए यहाँ पर प्रार्थना करें। मन ही मन आँख बंद करके हर हर महादेव एक बार बोलें, हर हर महादेव। और मैं यहाँ पर खोलने वाली हूँ आपके लिए ऑप्शन 1 के लिए कार्ड्स। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी फॉर ऑप्शन 1 नाइट ऑफ पेंटिकल्स। हर हर महादेव, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 1। और यहाँ पर आ गया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं, यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कार्ड आया है उल्टा। तो यहाँ पर उद्देश्य की प्राप्ति हो रही है बहुत ज़्यादा कठिनाइयों से, है ना। आगे समस्या आ रही है, रास्ता दिख नहीं रहा है। और जानेंगे, और मैं पूरे कार्ड्स खोल लेती हूँ। यहाँ पर आपके 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई यहाँ पे। तो यहाँ पर आपका किसी से लड़ाई झगड़ा होने की संभावना नज़र आ रही है, या किसी से आपका वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा होता यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि आप किसी उद्देश्य की प्राप्ति करना चाहते हो और कोई ना कोई इसमें यहाँ पर रोड़ा बनता नज़र आ रहा है। और मैं बताऊँ तो सही कि आपको अपने उद्देश्य की प्राप्ति नहीं मिल पा रही है, समय लग रहा है, आप निरंतर प्रयास कर रहे हो, लेकिन जो काम है वो 1% भी आगे बढ़ता नहीं नज़र आ रहा है। लेकिन ये काम तो आपको करना है, क्योंकि और कोई रास्ता है भी नहीं। यहाँ पर ये काम तो करना है, आगे बढ़ना है, चाहे सफलता मिले या ना मिले। तो सत्यता बताऊँ तो आगे जो भी आप अभी फेस कर रहे हो वो तो बहुत कम है यहाँ पर, लेकिन आपके आने वाले टाइम पे आपके लिए बहुत ज़्यादा व्यस्तता, बहुत ज़्यादा काम का बोझ होता आता नज़र आ रहा है मुझे। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। सत्यता बताऊँ आपके जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष आ रहा है, और आप मजबूती के साथ यहाँ पर अपनी समस्याओं से लड़ते नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर एक समस्या हो तो यहाँ पर निपट ले आदमी। यहाँ पर समस्याओं का पूरा चारों तरफ से समस्याएं आती नज़र आ रही हैं, और यहाँ पर काम होता नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन आप परिश्रम कर रहे हो लगातार, ये मैं देख पा रही हूँ। और डेथ का कार्ड आया है यहाँ पर, तो यहाँ पर डेथ का कार्ड देख कर आपको घबराना नहीं है। आप आने वाले दिनों में यहाँ पर अंधेरे से निकलने वाले हो, एक नया जीवन, एक नया सवेरा, एक नया अध्याय आपका इंतज़ार कर रहा है। और मैं यहाँ से देख लेती हूँ कि आपका जो संघर्षपूर्ण जीवन चल रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है किसी से, यहाँ पर वाद विवाद होता नज़र आ रहा है, कोई काम पूरा होता नज़र नहीं आ रहा है, किसी उद्देश्य की प्राप्ति करना चाहते हैं उसमें बहुत ज़्यादा बाधाएँ आती नज़र आ रही हैं मुझे। आप अपना पूरा यहाँ पर फोकस करे हो, पूरी निरंतरता से, दृढ़ता से यहाँ पर कार्य कर रहे हो, लेकिन फिर भी यहाँ काम होता नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पर सही बताऊँ आपको, और ये बिल्कुल आपके लिए है, सफलता तो आपको मिलेगी, लेकिन कुछ और ये आपके आया था हेरोफेंट का कार्ड, और अपने आप निकल के आया है। यहाँ पर आ गया है था हेरोफेंट का कार्ड। तो कोई विद्वान व्यक्ति आपके जीवन में आ रहा है, जिसकी सोच विचारधारा, और आप बातें सुन रहे हैं उसकी, और यहाँ पर आपको मार्ग दिखाएगा कोई विद्वान आदमी, कोई ज्ञानी, जो हर क्षेत्र में धार्मिक प्रवृत्ति भी रखता है। हर हर महादेव।
और यहाँ पर द एम्प्रेस की एनर्जी आ रही है। आने वाला समय आपके लिए समृद्धि लेकर आना है। आपके जीवन में जो आपने निरंतरता से आपने जो प्रयास किए हैं ना, जो आप लगातार एक पथ पर चले हो ना, उसकी मेहनत जो आपकी है, वो जो मेहनत है आपकी, आपको फल देती नज़र आ रही है। कैसे? आप बहुत ज़्यादा धार्मिक हो रहे हो, ईश्वर की तरफ ध्यान लगा रहे हो और पूजा पाठ भी मुझे करते नज़र आ रहे हो। और यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति की मैं फीलिंग देख रही हूँ, ऐसे व्यक्ति का यहाँ पर नेतृत्व देख रही हूँ। या तो आप बहुत ज़्यादा धार्मिक हो रहे हो, या कोई ऐसा व्यक्ति है आपके जीवन में जो आपको रास्ता दिखा रहा है और आपसे कह रहा है कि देखो तुम आगे बढ़े हो, तुमने मेहनत की है, प्रयास किया है यहाँ पर, तो तुम्हें सफलता मिलेगी। आपका उद्देश्य जो है वो दूर नहीं है, थोड़ी सी और मेहनत, थोड़ा सा और प्रयास आपको आपकी मंजिल तक अवश्य पहुंचाएगा। तो यहाँ पर शिव जी की कृपा से आप एक नई नींव रखते नज़र आ रहे हैं, एक अलग से छवि बनाते नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आपके जो पिता परमेश्वर हैं, कोई ना कोई ऐसा किसी का व्यक्ति है जिसको आप पिता मानते हैं, वो आपकी यहाँ पर मदद करता मुझे नज़र आ रहा है। और यहाँ पर आपके जीवन में एक अलग ही अध्याय है वो शुरू होता मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। बिल्कुल सफलता मिलेगी, लेकिन कठिनाइयों से मिलेगी, निरंतर प्रयास से आपको सफलता मिलेगी। यदि आपने यहाँ पर अपने प्रयास को रोक दिया, यहाँ पर द हर्मिट की एनर्जी आई है इन द सेंटर, तो यहाँ पर यदि आपने यहाँ पर अपनी मेहनत को रोक लिया, अपने लड़ाई को रोक लिया, तो यहाँ पर आपको सफलता नहीं मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर देखो मेहनत से ही आपको फल मिलता नज़र आ रहा है, तो मेहनत तो देखो करनी पड़ेगी बिना मेहनत के यहाँ पर। और मेहनत तो हर चीज़ में ही है, आपको पता है। सब्जी बेचने वाला आदमी बड़ा ही चीख चीख के आलू भिंडी बैगन तो रही है ना, और गोलगप्पे वाला भी सुबह उठता है, गोलगप्पे तैयार करता है, ये सब चीज़ तो देखो मेहनत तो हर चीज़ में, हर बैठ के आपको कुछ ना कुछ। मैं गोलगप्पे इनका उदाहरण सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा आपको हंसाने के लिए कर रही हूँ, क्योंकि अभी इस टाइम जो आपकी एनर्जी है, आपके चेहरे पे मुस्कान नहीं है, तो यहाँ पर शायद मुस्कान आ गई हो। मेरा एक थोड़ा सा छोटा सा प्रयास था यहाँ पर। देखो निरंतर आपको बढ़ना है, अगर सफलता पानी है तो निरंतर बढ़ना है और प्रयास करना है, अभ्यास करना है। हर हर महादेव। तो ये थी कार्ड नंबर 1 की रीडिंग। और हम मैं देखने वाली हूँ यहाँ पर द मून की रीडिंग, यानी कि ऑप्शन 2 द मून। जिन लोगों ने भी कार्ड चुना है, उससे पहले मैं चाहूँगी आप इस वीडियो को लाइक कर दें, नए लोग सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। शुरू करते हैं यहाँ पर, मैं इस कार्ड को यहाँ रख देती हूँ। जिन लोगों ने भी ऑप्शन 2 चुना है, कृपया अपने इष्ट देव से हर हर महादेव एक बार बोलें, और यहाँ पर शिव जी का नाम अवश्य लें, क्योंकि यहाँ पर शिव जी की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा ऊर्जा आपके लिए नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं ईश्वर आपका यहाँ पर सहयोग कर रहे हैं, महादेव आपका सहयोग करते नज़र आ रहे हैं। मुझे पता नहीं क्यों मेरा मन हुआ यहाँ पर कार्ड्स खोलने से पहले ही मुझे यहाँ पर शिव जी की एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। लग रहा है यहाँ पर शिव जी के जो चहीते लोग यहाँ पर ऑप्शन 2 चुना है। हर हर महादेव। फटाफट से कार्ड निकाल लेती हूँ। ओ 8 of Swords। देखो जिन लोगों ने ऑप्शन 2 चुना है, उनके जीवन में क्यों आया हर हर महादेव? क्योंकि भगवान को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, फंसे हुए हैं यहाँ पर, फंसे हुए अपने आप को सोच रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कोई रास्ता ही नहीं है, कहीं से भी कोई भी यहाँ पर आपको सफलता के संकेत नहीं मिल रहे हैं। आप बहुत उलझे हुए हो, प्रयास कर रहे हो, सुलझने का प्रयास पूरा है ना, बहुत ज़्यादा टेंशन में नज़र आ रहे हो। नाइट ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ गई है। युद्ध करते करते थक गए हो और अब अपने आप को एक तरीके से बंधा हुआ महसूस कर रहे हो, और अब एक तरीके से आपको लग रहा है कि जो आपका उद्देश्य है वो आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। यहाँ आप अपनी हार देखते नज़र आ रहे हो मुझे। बिल्कुल यहाँ पर आपने सोच लिया है कि आपकी हार हो रही है, और कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ प्रयास और अभ्यास करने के बाद भी कहीं ना कहीं कुछ आपको यहाँ पर हार मिलती मुझे नज़र आ रही है। हार आप महसूस कर रहे हो इस समय जो एनर्जी आ रही है, लेकिन आ गया है यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटकल्स का यहाँ पर आपको कार्ड, और मैं एक कार्ड और निकाल लेती हूँ यहाँ पर। देखो ये तो है समस्या की बात, घबराना नहीं है। यहाँ मैं समस्या आपकी बता रही हूँ, करंट एनर्जी बता रही हूँ,
बिल्कुल यहाँ पर समाधान भी आएगा। मेरी आशा है कि ईश्वर आपके आपकी समस्या का समाधान भी देंगे। हर हर महादेव। और ये आ गया यहाँ पर फाइव ऑफ पेंटकल्स का कार्ड। किसी महिला का यहाँ पे नेतृत्व नज़र आ रहा है, एक महिला है जो आपकी सहायता करती नज़र आ रही है। परिपक्व है, ईमानदार है और वो अपना काम भी कर रही है और आप सोच रहे हो कि उसने आपकी कितनी मदद की है। वो आपके परिवार की महिला हो सकती है, वो आपकी पड़ोसी भी हो सकती है। यहाँ पर किसी महिला का आपके कोई महिला ऐसी देख रही हूँ मैं जो आपको यहाँ पर उम्मीद की किरण जगाती नज़र आ रही है। मुझे फाइव ऑफ पेंटकल्स का भी कार्ड आ गया यहाँ पर। यद्यपि यहाँ पर मुझे यहाँ पर एक महिला का सहयोग नज़र आ रहा है, लेकिन आप तब भी अपने जीवन में अपमान की स्थिति यहाँ पर महसूस कर रहे हैं। अपमान हुआ है, धन की हानि महसूस कर रहे हैं और यहाँ पर आपका टाइम जो है बहुत ज़्यादा नकारात्मक में देख रही हूँ। प्रयास करते हुए भी आपको सफलता नहीं मिल रही है, अपने आप को उलझा हुआ महसूस कर रहे हो, मानसिक कष्ट है, दुखी हो कि कैसे निकलूं। हे ईश्वर, भगवान को याद करते नज़र आ रहे हो कि हे ईश्वर आपने मेरे जीवन में ऐसा समय क्यों लाया। यहाँ पर महिला का सहयोग नज़र आ रहा है, फिर भी धन का अभाव यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आज मेरे पास शायद यहाँ पर कुछ लोग, मैं पूरा यहाँ पर डिटेल में नहीं कहूँगी क्योंकि पर्सनल यदि किसी की है यहाँ पर, जिनको समझ जाएंगे वो समझ जाएंगे। यहाँ पर धन का अभाव नज़र आ रहा है। आप सोच रहे हो कि शायद मेरे पास पैसा होता तो मैं इस काम को कर लेता। तो यहाँ पर मैं फटाफट से संकेत भी देख लेती हूँ और यहाँ पर समस्या है तो समाधान भी है। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो, लेकिन हमें यहाँ पर प्रयास करने होते हैं। प्रयास आपने किया है, देखो स्टार्टिंग जो है ना बहुत ज़्यादा नकारात्मक है। मैंने यहाँ पर मैं सही बताऊँ तो चारों तरफ अंधेरा नज़र आ रहा है और मदद तो मिल रही है, घर परिवार किसी की मदद मिल रही है। महिलाओं का यहाँ पर सहयोग नज़र आ रहा है, किसी को अपनी माँ से सहयोग नज़र आ रहा है, कोई क्वीन ऑफ पेंटकल्स यहाँ पर पैसों से भी किसी की कोई आपको मदद करता नज़र आ रहा है। कह दिया है किसी ने आपको आवश्यकता है, हम यहाँ पर आपकी मदद करेंगे, लेकिन फिर भी आपके मन में धन हानि है, आपका मुश्किल समय चल रहा है। अपमान की स्थिति देख रही हूँ मैं, बहुत ज़्यादा अपमान की स्थिति बन रही है यहाँ पर। फटाफट से कार्ड निकाल लेते हैं और ये आ गया है यहाँ पर द टावर, काल भैरव का कार्ड। यहाँ पर शिव जी के सेनापति आ गए हैं और यहाँ पर द टावर का कार्ड आया है। कोई नींव हिल गई है किसी चीज़ की, बिल्कुल ही यहाँ पर बहुत कठिन समय चल रहा है। मदद तो है लेकिन मदद के साथ साथ यहाँ पर सहयोग भी है, लेकिन कार्य अपना अंजाम तक नहीं पहुंच पा रहा है। और यहाँ पर फिर से समाधान आपको कैसे मिलेगा, टावर का आया है यहाँ पर। बहुत ज़्यादा गाज गिर गई है आपके ऊपर, बहुत ज़्यादा कठिन समय चल रहा है लेकिन उभरते हुए नज़र आ रहे। देखो ये हर्मिट की एनर्जी फिर से आ गई है यहाँ पर, बहुत धीरे धीरे काम हो रहा है। आप सोच रहे हो काम जल्दी हो, यहाँ पर काम होता नज़र नहीं आ रहा है, परेशान है। यहाँ पर कैसी फीलिंग में है बताऊँ तो, दया की भीख मांग रहे हैं यहाँ पर आप कि ईश्वर दया करो, मैं इतना सब कुछ कैसे झेलूँ। हर हर महादेव। ये फटाफट से एक कार्ड और निकाल लेती हूँ क्योंकि अभी आप मुझे हाल फिलहाल समस्या से निकलते हुए नहीं दिख रहे हो, है ना। मेहनती हो, हिम्मती हो, सब हिम्मत बांध रहे हैं आपकी, लेकिन आपको धक्का मारी, लोग आपको चला रहे हैं, धक्का दे रहे हैं कि आप अपने अंजाम तक पहुँचें। लेकिन यहाँ पर मैं चाहूँगी ईश्वर आपको शक्ति दे, आपको मार्गदर्शन करें, आपको हर हर महादेव। कृपया फटाफट से भगवान मुझे बता दें कि इनकी समस्या का समाधान क्या होगा, कुछ तो कहें। लेकिन देखो समय यहाँ पर मुझे लग रहा है कि समय तो है, पाँच छः सात, अभी बता देती हूँ आपको, 8-9, ये आ गया आपका समाधान। यहाँ पर द मून की एनर्जी आ गई है। अभी हाल फिलहाल सत्यता बताऊँ आपको, बहुत ज़्यादा संघर्ष करना होगा।
आने वाला टाइम जो है, आने वाला टाइम बहुत ज़्यादा डर का सामना करना है आपको, रिस्क भी लेनी पड़ेगी, समझौता नज़र आ रहा है, निर्णय लेना होगा। लेकिन यहाँ पर सही बात बताऊँ तो अच्छा समय यहाँ पर आता, कुछ टाइम तो लगता नज़र आ रहा है, 3 कार्ड निकाल लिए हैं, फिर भी यहाँ पर लग रहा है कि आपको ईश्वर में आस्था रखनी चाहिए, थोड़ा सा यहाँ पर धैर्य की स्थिति बनाए रखना है, क्योंकि आपकी समस्या का जो समाधान है वो देर से ही निकलेगा। किसी चीज़ का डर है आपको, बहुत ज़्यादा मन में बेचैनी है ना, और क्योंकि काम ही नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, धार्मिक की एनर्जी आ गई यहाँ पर। एंड मैं बताऊँ तो टेस्ट है आपका, आपको ये टाइम झेलना है, हंस के झेलो, रोकर झेलो, लेकिन ये आपके जीवन में ऐसा समय आना ही तय था पहले से, क्योंकि किसी ना किसी चीज़ को लेके सचेत होना भी ज़रूरी है। यदि ये समय नहीं आएगा तो आगे चल के बहुत ज़्यादा कठिन समय आपके जीवन में आ जाता। हालांकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कठिन समय है ना, मैं जान सकती हूँ यहाँ पर, तभी आप ईश्वर को बहुत ज़्यादा यहाँ पर याद करते मुझे नज़र आ रहे थे, ईश्वर को याद कर रहे हैं कि भगवान ये समय जल्दी से निकल जाए। देखो समय निकल जाता है, जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन है, ये चीज़ें चलती रहती हैं, समस्या सामने आती है, बस हमें थोड़ा सा उसको नज़रअंदाज करके चलना है। अपने जीवन में जो पॉजिटिव लोग हैं आपके आसपास, उनसे शक्ति लेनी है, सकारात्मकता लेनी है, और अपने ये जो बुरा टाइम है उसे निकालना है। कैसे निकालना है? धैर्य से निकालना है। और मैं आपको बताऊँ, आपके लिए आया है अभी भी एक दिव्य संकेत कि आपको कल सुबह उठकर आपको यहाँ पर, हालांकि आज मंगलवार है, आप चाहें तो आज भी कर सकते हैं, यदि बहुत ज़्यादा समस्या है तो आप हनुमान जी का बजरंग बाण अवश्य पढ़ें, क्योंकि बजरंग बाण पढ़ने से ईश्वर आपको शक्ति देंगे और आपके जीवन में आने वाली बाधाओं को यहाँ पर कम करेंगे। और यहाँ पर आपको राधे राधे का भी नाम जपना है, क्योंकि यहाँ पर राधा रानी राधे राधे जपने से कष्टों को कर देती हैं आधे। तो राधे 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 हर हर महादेव, जय श्री राम, जय हनुमान। आपको बजरंग बाण पढ़ना है, सुबह पढ़ सकते हैं, अभी पढ़ सकते हैं, आपको बिल्कुल यहाँ पर आपको शांति का अनुभव होगा, हर हर महादेव। तो यहाँ पर ये थी ऑप्शन 2 की रीडिंग। यदि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और यहाँ पर हर हर महादेव अवश्य लिखें। नमस्कार, धन्यवाद, ओम नमः शिवाय।